ईडी का हेमंत सोरेन को समन। सुप्रीम कोर्ट में डाली ईडी के समन के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को कैसा झटका लगा। सामने वाला चाहे कितनी भी बड़ी हस्ती का क्यों ना हो, सामने वाला चाहे आम आदमी ही क्यों ना हो, इंडियन कोर्ट्स की नज़र में सब एक समान है, यानी कानून सबके लिए बराबर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा ही उदाहरण फिर से सामने आया है। ऐसा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच से हेमंत सोरेन को करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की एक याचिका खारिज कर दी है, साथ ही उनको अपनी याचिका हाई कोर्ट स्तर पर दायर करने की सलाह भी दी है। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के इस बेंच में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी थी। दोनों जजों ने सीएम सोरेन की याचिका भी खारिज कर दी। दरअसल ईडी ने हेमंत सोरेन को समन भेजा है, जिसको चैलेंज करने सोरेन के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया और सोरेन के वकील को हाई कोर्ट में जाने का आदेश देते हुए याचिका खारिज कर दी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने रोहतगी से कहा कि ऐसे केसेस को पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं, आप पहले हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के इस सवाल पर लॉयर रोहतगी ने दलील दी कि मैं हाई कोर्ट में जाना चाहता हूं, लेकिन इस मामले में कानून के कुछ ऐसे ही सवाल इस कोर्ट में भी है। हेमंत सोरेन के वकील मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील को जारी रखते हुए ये दावा भी किया कि ये पूरी तरह से किसी के पीछे पड़ जाने का मामला है, जिसके बाद बेंच ने एक बार फिर कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, बेंच आपको अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देगा। वहीं ईडी की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा कि ये मामला एक बड़ी संख्या में दिए गए फैसलों के अंतर्गत आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच रोहतगी की दलीलों से सहमत नहीं दिखी और हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी। बता दें, हेमंत सोरेन ने ईडी की समन पर रोक के साथ साथ पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 63 की संवैधानिक वैधानिकता को चुनौती दी थी। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने चौथी बार समन भेजा था। इस समन में उन्होंने ईडी के सामने पेश होने को कहा है। वहीं इससे पहले समन में सोरेन की जमीन की खरीद बिक्री के मामले में 9 सितंबर को ईडी में हाजिर होने के आदेश दिए गए थे। वहीं ईडी हेमंत सोरेन से अवैध खनन के मामले में पिछले साल के नवंबर महीने में तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन की याचिका खारिज हो चुकी है, तो उन्हें ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा, जिसके बाद ये देखना आम होगा कि ईडी झारखंड के सीएम सोरेन से क्या पूछताछ करती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।